आइए दोस्तों, आज शुरू करते हैं अपना टॉपिक बोन मास। ODMAS। बट ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें बोन मास सीखना जरूरी क्यों है। कई बार आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे, मैं एक एग्जांपल दूंगा। 4 + 3 × 2 / 4, इसका आंसर क्या होना चाहिए? अब मैंने देखा है कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो गलत जवाब देते हैं, क्योंकि वो नॉर्मली कुछ बच्चे क्या करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। वो 4 में 3 को जोड़ देंगे और वो ले आएंगे 7। 7 × 2 = 14 / 2 = 14। तो ये रह गया 2 × 7 = 3.5। पर मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या ये सही जवाब है? नहीं, राइट? फिर आप एग्जाम का रिजल्ट आता है, फिर बोलता है हम फेल हो गए, हमने तो बड़ी मेहनत की थी। उसका कारण है क्योंकि आपने जो रूल्स हैं उनको गलत तरीके से लगाया। इसका असली आंसर क्या होगा पहले हम देख भी लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि बोर्ड मास होता क्या है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इसका राइट तरीका क्या है सॉल्व करने का। इसमें मेरे हिसाब से हमें सबसे पहले 2 और 4 का डिवीज़न करना होगा, यानी कि इसका आंसर आएगा 3/2। उसके बाद हमें एडिशन करना है। एडिशन के लिए हम एलसीएम जो है इसका 2 आ जाएगा, तो ये हो गया 4 × 8 + 3 = 11/2, और आंसर हो गया 5.5। अरे, हमारा आंसर तो 3.5 आया था, राइट? समझे आप, हम गलती कर रहे हैं। कब पॉजिटिव, कब एडिशन करना है, कब मल्टीप्लिकेशन करना है, कब डिवीजन करना है, ये हम अक्सर गलती कर देते हैं। ठीक है, तो अब जानेंगे कि बोर्ड मास है क्या। आइए तो देखते हैं क्या है क्या। बी बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, पर पेशेंस रखिए, आप ही की भलाई है। जितना अच्छा पढ़ेंगे, जितना अच्छा सीखेंगे, उतने ही आप कॉन्फिडेंट जवाब दे पाएंगे। सही बात है। फिर एग्जाम्स में जो जवाब दिए हैं और रिजल्ट आने पर जो अजीब सा फीलिंग आता है ना, वो नहीं आएगा। आइए, इसका मतलब है ऑफ। इसका मतलब है डिवीजन। इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब है एडिशन। मेरे वीडियोस की जो क्वालिटी है उस पर मत जाइएगा, नॉलेज पे जाइएगा, नॉलेज को सीखने की कोशिश करिएगा। एंड आई एम काइंड ऑफ यूज टू दिस ओल्ड स्कूल मेथड्स। उसको माइंड मत करिएगा। मैं शायद शानदार प्रेजेंटेशन ना बना पाऊँ, पर आपको नॉलेज अच्छी दे पाऊंगा। आइए, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, सब्सट्रैक्शन में आता है माइनस साइन, एडिशन के लिए प्लस साइन, मल्टीप्लिकेशन के लिए दिस, डिवीजन के लिए दिस, या फिर बाई जो अपन बोलते हैं 2/4, उसके लिए, ऑफ के लिए होता है ऑफ। और ब्रैकेट्स में हम देखेंगे कितने तरह की ब्रैकेट्स होती हैं। लाइन ब्रैकेट, सेकंड टाइप ऑफ ब्रैकेट, थर्ड टाइप ऑफ ब्रैकेट, फोर्थ टाइप ऑफ ब्रैकेट। तो आपने देख लिया कितने तरह की ब्रैकेट्स होती हैं, और ऑफ है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है। तो आपको अब शायद समझ में आ गया कि बोर्ड मास एक ऐसा रूल है जो आपको ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम बताने जा रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि बोर्ड मास में सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर भी एक बात है कि सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, तो है लाइन ब्रैकेट। सेकंड हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, थर्ड हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फोर्थ हम ये बिगेस्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम ऑफ को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम डिवीजन, और ये दोनों इक्वली हैं। ठीक है, जो डैश मैंने लगाया है, यानी कि 2/4, 3/6 समथिंग, ये वही चीज़ है। तो इसको हम एक साथ ही माना जाता है। फिर मल्टीप्लीकेशन में क्रॉस साइन है आपके पास, एडिशन में प्लस साइन, सबसेक्शन में माइनस साइन, और ये सब एक ऑर्डर में किया जाता है। इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, अगर करेंगे तो फिर गलत जवाब आएगा, गलत जवाब आएगा तो क्या करेंगे। चलिए, इसको सीख लेना ही बेहतर है।
तो आइए शुरू करते हैं एक भयानक सवाल के साथ। ओके, सवाल काफ़ी भयानक लग ही रहा होगा आपको, पर इसका सॉल्यूशन है और काफ़ी इजी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, आप इतना बड़ा जो लिखा है उस पर ध्यान मत दीजिए, आप सबसे पहले जिस चीज़ पर ध्यान दीजिए वो है ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी मैंने आपको बताया था कि लाइन ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। ओके, तो लाइन ब्रैकेट में आप क्या देख पा रहे हैं, 4 माइनस 2, तो हमारे पास यहाँ कितना आ चुका है, 4 माइनस 2 में 2 आ चुका है। अब सेकंड ब्रैकेट मैंने आपको कौन सी, ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लाइन ब्रैकेट होता है, फिर ये ब्रैकेट है, फिर ये है ब्रेसेस, और ये फाइनल ब्रैकेट्स। ओके, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमने कर लिया है 2, ठीक है। अब हमें ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो 4 माइनस 2 इज 2। ओके ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 6/3 प्लस 2, समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ पे हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डिवीज़न पहले ही कर रहा जाता है, उसके बाद में हम लोग एडिशन को करते हैं। तो डिवीज़न कर लेते हैं पहले, 6/3 कितना आ गया, 2 प्लस 2 ब्रैकेट, ठीक है, यहाँ और कुछ है ही नहीं, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4, और ये ब्रैकेट। अब हमें इस ब्रैकेट की ज़रूरत है क्या, नहीं, हम यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। अब इसके आगे का आप यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा है, 36/6, 36/6, यहाँ है माइनस, और ये आ जाएगा बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो ये 36/6 मतलब हो गया 6 माइनस 4 बड़ा ब्रैकेट, यानी कि 2 विद ब्रैकेट। अब आप ब्रैकेट हटा सकते हैं क्योंकि सब सॉल्व हो चुका है, तो ये आ गया आपका 2। तो ये जो इतना बड़ा पोर्शन जो आपने देखा है, इस पूरे का वैल्यू कितना है, 2। तो हमने देखा कि वैल्यू है 2, इस पूरे बड़े ब्रैकेट की वैल्यू है 2। तो लाइए मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, ये जो पूरा वैल्यू था ये था 2, तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे 2। तो हमारा सवाल क्या रह गया, अब हम देख लेंगे, 2 देखा आपने। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या होगा कि अब हम क्या सॉल्व करें, ब्रैकेट तो हम सॉल्व कर चुके हैं, राइट। तो अब सीधी सी बात है, हमें ऑफ को सॉल्व करना होगा, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, राइट। तो ब्रैकेट हो चुका है, अब हम ऑफ को सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो गया 4 2 8 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 बाई 4 डिवाइडेड बाई 5 बाई 10 प्लस 2। ओके, अब हम क्या सॉल्व करेंगे, डिवीज़न को सॉल्व करेंगे। डिवीज़न कहाँ पे है मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे है डिवीज़न। और डिवीज़न के बारे में आप सब जानते ही होंगे कि डिवीज़न को हम मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं अगर हम उसको रेसिप्रोकेट कर दें। तो मैं दिखा देता हूँ एक बार क्या कहना चाह रहा हूँ, 8 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 बाई 4 मल्टीप्लाइड कर दिया मैंने 10/5 प्लस 2। ओके, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है, तो हम कर देते हैं सॉल्व, ये और ये हो गया 2 आया, 2 के फैक्टर से हमने इसको किया, तो नीचे आ गया 2, तो ये हो गया 5 3 15/2 इज इक्वल टू 7.5 प्लस 2 प्लस 8। अब तो आप सभी होशियार हैं, है ना, तो ये हो गया आपका 17.5, इस पूरे का आंसर है 17.5। ओके, सो होप आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। इसमें आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, ब्रैकेट, देन ऑफ, देन डी, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्स्ट्रैक्शन। ऑफ का मतलब याद रखिए मल्टीप्लिकेशन होता है, ओके, मतलब उसका उतना हिस्सा, ऑफ मतलब, ठीक है। तो 2 of 4 is मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स में भी लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो मैंने सीक्वेंस दिया है बची हुई ब्रैकेट्स को ऐसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो होपफुली आप में से सभी के आंसर सही आए होंगे। सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, लाइक करना है, कमेंट जरूर करना, और मेरे इस एफर्ट को थोड़ा अप्रिशिएट करिएगा, बहुत मुश्किल से मैं टाइम निकाल पाता हूँ। एंड आई एम नॉट चार्जिंग एनी कोर्स फी और एनीथिंग, बट आप अपने कमेंट्स में बताइए किस किस का आंसर सही था। ऑल्सो ये बताइए आप क्या सीखना चाहते हैं, मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। ओके, और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमेशा मिलता रहेगा मेरा कंटेंट, उसको अगर बेल आइकन लगाते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू गेट द नोटिफिकेशन ऑल्सो। ओके, आप मुझे क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं कमेंट्स में कि सर ये सॉल्व करके दीजिए। ओके, एंड आई वुड बी वेरी हेल्पफुल इन दैट। ओके, सो दैट्स माई अश्योरेंस, कीप सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड एन्जॉय। और इसमें अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है तो लिखिए कमेंट्स में, मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर कमेंट्स को फॉलो करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।